तो भैया हम लोग निकल रहे हैं स्टूपा के लिए। तो भैया यहाँ से क्या मंजर है, उफ माय गॉड। तो भाई हम पहुँच गए धर्माटी का स्टूपा। तो भाई ये माल्टे का पूरा बाग है, देख सकते हैं कितना बड़ा माशाल्लाह बाग है। ये देखें माशाल्लाह सारे माल्टे हो गए हैं इस पे। किसी को चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करें। तो वीडियो पे ले आता, आप मशहूर हो जाते हैं यूट्यूब पे। अच्छा ले आ, मुझे मुझे पक्का क्या? लो भाई, तो आज हम जा रहे हैं फुप्पो के पास। इनके पहली बार ला रहे हम पिक्चर्स और वीडियोस में। इन्होंने बोला हम, अच्छी बात है हमारे की इजाजत, इनकी इजाजत ली पहले हमने, उसके बाद हमने इनको अपने ब्लॉग्स में शामिल करा। तो पप्पो आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? कैसा मजा आ रहा है? अच्छा मजा ऐसा वैसा मजा, शुक्र है हमारी पप्पो को मजा आ रहा है। ओ भाई अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। अब हम बुतों की बस्ती में जा रहे हैं जहाँ बुती बुत होते हैं। वो देखें इसके बारे में बताते हैं, जो बोर्ड लगा हुआ है उसके बारे में दिखाते हैं भी आपको। तो गांव में चल रही है। तो ये इनके पुरानी नहाने की जगह देखो यार, हमारा इतना छोटा सा बाथरूम था, इनके इतने बड़े बड़े बाथरूम। तो भाई आप लोग जगह चेक कर सकते हैं, ये इनकी पुराने सोफे वगैरह होते थे इनके, इसी का कुछ था। ये झाड़ियों में चल रहे हम, इन्होंने पड़े हुए थे। ये मुख्तलिफ अनवाह और नवादरात मुख्तलिफ इदारे से ताल्लुक रखते हैं। ये घर थे इनके और हमारे घर देखो, इनके घर देखो। ओ भाई हमें बुत मिल गए, बंदर के बच्चे, बंदर की शक्ल के सारे सब बुत है। भाई जान सारे बुत आ गए, सारे बुत देख लो, यूं जल्दी जल्दी गुजरो तो सारी क्या आ जाएंगे। तो लेनी क्या उतला ए बसेरिया, सारे बंदर आ गए। अरे कैसे कैसे बंदर थे उनके जमाने में, बंदर भी इंसान भी हैं। ये की पढ़ दे सारी वहां से वहां तक। इधर आ देखा नीचे भी हैं तो सारे सारे बुती बुत है। देखिए उधर देख, ये वो जमानत नहीं है जहाँ पे वो उनके पत्थरों के ऊपर वो दूध वो डालते थे, है ना? ये वही दौर है। लो जी भाई इनके पाँव को तो पॉलिश की जरूरत है ना, इनके नाखून भी बहुत बड़े हो गए और इनके ऊपर के हिस्से गायब हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे उनके पुराने पीर वगैरह ये लोग जो बैठ के वो बादशाह करते थे ना, अपनी कॉन्फ्रेंस करते थे, वो है पेड़। देख ये वही है ना, सारे बैठ के अपना काम करते हैं। तो किधर जाना है? हम भी एक कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं यहाँ पे बैठ गए सखों पे। उसके ऊपर इन्होंने ये रख के ना निशानियाँ बनाई हैं। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े दूसरे कबीलों के राजकुमार आते थे ना, उन अपनी मूर्तियाँ वगैरह जो भी होती थी इनकी वो रखते थे। और सबसे जो पीछे देख रहे हैं बड़ी मूर्ति का मज़ार होता था, मज़ार होता था पूरा जी। तो वही जगह है सारी जो तो फिलहाल अब खंडर बन चुकी है, पूरी की पूरी तबाह हो गई। तो भाई ये उनकी होती थी दुकान जहाँ पे वो मूर्तियाँ वगैरह सेल आउट वगैरह करते थे, ये वो उन्हीं के बस्सी की चीज़ें ये भी। तो क्या चीज़ है यार वाह। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बड़ा मज़ार था, तो जहाँ मैं चल रहा हूँ आए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखने आ जाए आ जाए बिल्कुल। तो ये साइड पर देख रहे हैं ना आप, छोटी मूर्तियों की जगह, ये मूर्तियाँ रखी हुई होती थी यहाँ पर। और ये पूरा राउंड हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर है ये इन्हीं के। और ये मेरे सामने सामने देखें ज़रा, ये सामने देखें, सारा ये इनका कबीला होता था। ये सारे इनके घर होते थे छोटे छोटे जहाँ पे ये लोग रहते थे, ये छोटे छोटे घर हैं। और आजकल के घर देखें और ये घर है। और
स्कूटी चुके लियाई हूं यहां ते रखो या ते नहीं याद रही है ओके कोई नहीं यहां से दूसरा ले लेंगे ये देख पीछे ये देख सरसों लगी हुई सरसों येलो येलो फूल जो है ना ये सारे येलो फूल सरसों के फूल जी जी मोबाइल है मेरे पास मैं जाता हूँ तो भाई ये वो जगह है जो इनके बहुत ही महाराजा महाराजा होते थे ना बलून चढ़ जाओ एक और जो तो भाई ये वो जगह है जो इनके बहुत बड़े कबीले के जो महाराजा महाराजा होते थे वो इनकी चेयर्स हैं आप देख सकते हो यार क्या चेयर है ये चेयर्स हैं इनकी सारी तो बाबा जरा एक पिक्चर भी क्लिक कर ले मेरी खानका मॉन्स्ट्री एरिया ओ भैया ये बहुत डेंजरस जगह है तो भाई अब हम वापस जाने की तैयारी है हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइडों पे ये देखें बागात आ गए हैं वापस तो ये बहुत ही काफ़ी बड़ी जगह है माशाल्लाह ये बहुत काफ़ी पुराना एरिया है और ये एरिया सारा हिंदुओं के ज़माने का है सारा का सारा तो भाई हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं वापस जाने के लिए और ये सामने हमारी बसंती गढ़ी है रक्षा